चलिए, तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला है, चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीहापुर के अली आदिल शाह से। अगला है, सुप्रसिद्ध कीर्ति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। अगला है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता। अगला है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अगला है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे? द्रविड़। अगला है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? पेरुनल। अगला है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानी सुनने। अगला है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जैनुल अबादीन। अगला है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। अगला है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? नारियों के लिए। अगला है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। अगला है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिम्बिसार। अगला है, चंदावर का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच। अगला है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। अगला है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। अगला है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। अगला है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। अगला है, जफरनामा किस नाम से इतिहास में क्यों विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला है, आर्यों के पूर्व की ओर फिसार का भी ज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्या वैश्वा नर तथा विदेव माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? सतपथ ब्राह्मण में। अगला है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। अगला है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। अगला है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी था? उत्तरापद की। अगला है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? गुफा संख्या 9। अगला है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति। अगला है, 12 मिहिर द्वारा रचित बेहद संहिता में चालुक वंश को किस जाति का माना गया? सुलिक जाति का। अगला है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुग मतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? कुलोत्तुंग प्रथम को। अगला है, गुलाब वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। अगला है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इद्रार। अगला है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वहां का शासक कौन था? जयमल। अगला है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला है, महात्मा बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का।
अगला है, गुप्तोत्तर काल में राजाओं द्वारा विदत्त भूमि अनुदानों की आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। अगला है, किस इमारत को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। अगला है, हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। अगला है, दीवा ने ईसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली, अगला है, दिल्ली सल्तनत का और वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्त पीड़। अगला है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशु चोरी का। अगला है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला है, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है, मनु यज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल माना गया? शूद्रों के समतुल। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? 1000 ईस्वी में प्रथम और 1027 ईस्वी में अंतिम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वकाटक वकाटक राजवंश का। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। अगला है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? सेव मत के। अगला है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। अगला है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिली प्राप्त हुई? तो यह सुरकोटदा। अगला है, संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक्का पीएम का विषय है तमिल व्याकरण। अगला है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अगला है, अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस नाम शासक को कहा गया? अशोक को। अगला है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाला वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शीद कुली खान। अगला है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए। अगला है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग के। अगला है क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बौद्ध की मृत्यु के तल्पिकाल बाद किया गया था, इस संगीति के अध्यक्ष थे अध्यक्ष किसने की थी? महाकश्यप ने। अगला है, मिलिंद फनेहो के पात थे नागसेन एवं मिनांडर मिलिंद। अगला है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। अगला है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि करता था? बलबन। अगला है, रजम नामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? सुप्ता गेंडोर। अगला है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में।
अगला है, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नैमी को, नैमिनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी का पर अधिकार किया था? देवगिरी में। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। अगला है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1458 में। अगला है, भगवान बौद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर। अगला है, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? गौपद ब्राह्मण। अगला है, बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। अगला है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया? अकबर को। अगला है, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू त्रिसा। अगला है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां। अगला है, किस सूफी संत ने कहा है कि दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला है, किस ग्रंथ का अनुवाद रजम नामा के नाम से किया गया? महाभारत का। अगला है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ये थी ताराबाई।